हेलो एवरीवन, आज बिल्कुल माँ के हाथों के स्वाद जैसा दाल पिट्ठी की रेसिपी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अरहर और मसूर दाल को पानी में भिगो दिया है और कुकर में उसे हल्दी नमक के साथ डालकर तो उसे 3 सीटियाँ लगा दी है। माँ अक्सर ये दाल पिट्ठी बनाया करती थी और मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। तो चलिए अब पिट्ठी बनाते हैं। आटे को नॉर्मल गूद कर और उसे बेल कर और इसे ऐसे गोल गोल हम कट ग्लास से कट कर देंगे और इसे हम आटे को ऐसा शेप दे देंगे बाटी के जैसे, जिसे हम पिट्ठी भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे दाल की दुल्हन भी कहा जाता है। चलिए सारी पिट्ठी तैयार हो गई है, तो अब हम उसे दाल में एक एक करके डालेंगे और उसे 1 सीटी लगाएंगे ताकि वो अच्छे से नरम हो जाए। अब तड़के लगाने की बारी आई है। हम उसमें सरसों तेल डालेंगे, जीरा, मिर्च और लहसुन डालकर चटकने देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। तैयार है हमारा दाल पिट्ठी। बिल्कुल माँ के हाथों का स्वाद जैसा ये लगेगा आपको। आप अपने बच्चों को खिलाएं, उन्हें वो बहुत ही पसंद आएगा। माँ मुझे खिलाती थी, अब मैं अपने बच्चे को खिलाती हूँ।